तीसरा विकल्प खड़ा हो गया राजस्थान का। पिछली बार भी 80 लाख वोट हम लोगों ने लिए थे, उस समय हम सारे गठबंधन में थे। इस बार 80 लाख वोट वो मिलेगा जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, और 90 लाख जो नया वोटर राजस्थान में जुड़ा है वो 90 लाख 80% वोट करेगा, और 80% में से 80% RLP और ASP गठबंधन को वोट डालेगा राजस्थान। वो कांग्रेस बीजेपी को भगाना चाहता राजस्थान से। गठबंधन कर रहा है तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? आराम से हो जाए, कोई बात नहीं हो गया। आप किस तरह से खुद लड़ रहे हैं, आपके भाई का? अभी बात कर लेंगे, अभी जो टाइम है ना 5-6 दिन का, या अभी मोटा मोटा क्या कहें 2 दिन स्थापना दिवस की रैली के अंदर लग गए, आज रात को और कल और लिस्ट आएगी हमारी। अगर जनता कहीं कहेगी तो जरूर, नहीं तो बाकी मैं परिवारवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। भाई को विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ रहे थे, जनता की इच्छा थी कि भाई वहाँ RLP हार जाएगी तो फिर क्या होगा, इसलिए मुझे उतारना पड़ा था। क्यों सकते थे ज्योति मिर्जा सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे नंबर पर जा रही वहाँ। ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, कार्रवाई होना अच्छी बात है, लेकिन समय थोड़ा सा गलत है। ये 2 महीने पहले करनी चाहिए थी कार्रवाई, और अब कार्रवाई करी है तो गिरफ्तारी करे, नहीं तो कार्रवाई क्यों करे? किसी को बदनाम करने की कार्रवाई नहीं करे, अगर है सबूत तो।